दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक वेल टाइम फुल टाइम या बड़े सेलर और एक छोटे जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और छोटे सेलर्स की स्टोर क्यों जल्दी से जल्दी बंद हो जाती है और बड़े सेलर्स को इतना अफेक्ट क्यों नहीं करता है। इसके बारे में बोलने से पहले बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि अभिक भाई वाई यू लुक सो लथार्जिक, अभिक भाई क्या आप गांजा पी के बैठे हो, अभिक भाई क्या दारू पी के बैठे हो, अभिक भाई थोड़ा एनर्जी लाओ, थोड़ा जोश लाओ। तो थैंक्स फॉर द कंसर्न्स एंड थैंक्स फॉर द फीडबैक एज वेल। सो आई टेक इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई यूट्यूब एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइज आर रीचिंग आउट फॉर माई वेल बींग एज वेल। नाउ मैं लथार्जिक क्यों लगता हूँ, मैं क्यों ऐसे आई एम नॉट सो एनर्जेटिक ऑन वीडियोज, देखिए मेरा जो रेगुलर जॉब है वो रेगुलर जॉब मेरी कभी कभी एक्चुअली 10 घंटे की शिफ्ट होती है मेरी, लेकिन कभी कभी वो ना 12 13 14 घंटे हो जाती है, कभी कभी नहीं वो ज़्यादातर ऐसे ही होती है। ऑफिस कम्यूट करके वापस आना, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम ही बंद हो चुका है, तो ऑफिस कम्यूट करके वापस आने में 13-14 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद छुट्टी तो मेरी 2 दिन की रहती है, लेकिन आजकल लास्ट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स मुझे एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। ऑब्वियसली आई गेट पेड फॉर द 1 वीक ऑफ दैट आई वर्क फॉर, बट देन अगेन इतना सब कुछ करने के बाद मुझे घर वापस आना पड़ता है, फिर मेरी खुद की पढ़ाई चल रही है तो उसमें मुझे 1 या 2 घंटा एडिशनल देना पड़ता है, तो आई डो नॉट गेट प्रॉपर रेस्ट। तो इसी के बीच में मुझे टाइम निकाल कर वीडियो बनाना पड़ता है। होपफुली आपकी दया से अगर आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बना रहा तो आई वुड फाइनली बी क्विटिंग माई जॉब प्रोबेबली इन 2020 विच आई एम प्लानिंग टू, सॉरी 2022 विच आई एम प्लानिंग टू। होपफुली वीडियो की क्वांटिटी क्वालिटी और मेरा अपीयरेंस आपको अच्छा लगे, बट स्टिल आई सो लव यू फोक्स दैट यू आर स्टिकिंग अराउंड यू नो शेयरिंग योर लव एंड फीडबैक्स ऑन माई चैनल, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो वापस आता है टॉपिक पे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिग सेलर्स एंड स्मॉल सेलर्स एंड व्हाई स्मॉल सेलर्स गेट यू नो सस्पेंडेड। देखिए सब कोई छोटे से ही स्टार्ट करता है, जो बड़े सेलर्स हैं वो कभी ना कभी छोटे से ही स्टार्ट किए थे और बहुत पहले स्टार्ट किए थे, कोई कोई 2019 में स्टार्ट किया, कोई कोई 2016 से बेच रहा है सामान, और आपका स्टोर शायद 2019 20 या 29 में बना हुआ है, ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन जो बड़े सेलर्स हैं उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही है और काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। तो जितने सारे ज़्यादा सेलर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उनके ऑलरेडी 3-4 स्टोर खोल के बंद हो चुके हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि व्हाट वेर दे लैकिंग, उनके स्टोर्स क्यों बंद हो गए। इसमें से पहला तो आता है चार्जेस एंड चार्जबैक्स, पहला तो डिस्प्यूट डिस्प्यूट को आप कैसे एड्रेस करते हो, जैसे कि कस्टमर बोला मुझे सामान मिला नहीं है लेकिन आपको पता है सामान मिल गया है, तो इंस्टेंट ऑफ प्रोलोंगिंग द प्रोसीजर आपको डिसाइड करना है कि शैल आई टेक द लॉस और उसको रिफंड कर दूं या इस पे मैं डिस्प्यूट रेज करूं। तो हम इंडियंस क्या होते हैं कि हम लोग की जो छोटी बिजनेस होती है वी कैन नॉट एक्सेप्ट लॉसेस, कि भाई आपको सामान अगर मिल गया है तो आप पैसे क्यों नहीं दोगे। यूएस वाले बंदे थोड़े ऐसे हैं यार, सब नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको सामान मिल जाता है लेकिन तब भी वो बोलते हैं कि नहीं उनको सामान नहीं मिला, हम लोगों को पैसे वापस करो, क्योंकि इन देयर कंट्री दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत इजी है। आपने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, आपको सामान मिला नहीं, तो इंडिया में ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, फ्लिपकार्ट हो अमेजोन कोई भी ऑनलाइन सेलर हो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ के लोग ना प्रूफ चाहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, लेकिन वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, लोग अपने बैंक, अगर आपने रिफंड नहीं किया तो सही बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो अपने बैंक को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई देखिए मैंने यहाँ से $100 का सामान ऑर्डर किया था, मेरे को मिला नहीं है $100 का सामान, आज को 2 महीने हो गए हैं एंड आई वॉन्ट टू रेज ए क्लेम ऑन दिस। तो उनके बैंक मर्चेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं, मर्चेंट एज इन द सेंस यहाँ पे हो गया सेलर HC, HC को कॉन्टैक्ट करेंगे, HC वाले देखेंगे कि हाँ सामान मिला नहीं है,
आइदर एचसी वाला आपको बोलेंगे रिफंड करने के लिए, अगर आप रिफंड नहीं करते हो तो वो लोग खुद रिफंड कर देंगे, आपके स्टोर को सस्पेंड कर देंगे। ये होता है नए सेलर्स के साथ। पुराने सेलर्स के साथ क्या होता है, दे टेक द लॉस, वो लॉस लेते हैं और रिफंड कर देते हैं पैसा। इसमें यह होता है कि आपका, आप क्योंकि आप एक नया सेलर हो, आपका रेपुटेशन उतना नहीं है, आपके फीडबैक्स उतने नहीं है, आपके सेल्स उतने नहीं है, तो सिचुएशन थोड़ा डाइसी लगता है एचसी को। और जो कि एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, जिनकी जो बड़े सेलर्स हैं, जो जिनकी बहुत सारी सेल्स होती रहती हैं, ऐसे केसेस उनको शायद 2-5% ही मिलता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लॉस को एब्जॉर्व कर लेते हैं और रिफंड कर देते हैं पैसा, और उनका स्टैंडिंग में अच्छा रहता है। शायद नेगेटिव फीडबैक मिलता है, लेकिन अगेन वो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक को अगर आप कंपेयर करोगे तो दैट डज नॉट मैटर अ लॉट, तो उनकी स्टैंडिंग अच्छी रहती है। अभी आप बोलोगे कि मैं तो अभी अभी स्टार्ट किया हूँ और मेरे अगर 10 सेल ऐसे हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए 10 सेल तो 10 20 15 100% सेल्स तो आप कैसे होने वाले हैं नहीं, और 100% हो भी नहीं सकते कभी, क्योंकि वो भी अच्छी को पता है कि भाई बंदा अगर सारे भेज रहा है, सारे ट्रैकिंग नंबर्स मिल रहे, एक भी पहुंच नहीं रहा है, तो हो सकते हैं कि कोई कोई फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड सेलर्स भी हैं ऐसे करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप इंडिया में पेमेंट पेपाल के जरिए ही ला सकते हो। डिस्प्यूट अगर रेज हुआ तो पेपाल तो वैसे भी आपका पेमेंट होल्ड करता है, वहीं से आपका रिवर्स कर देता था पेमेंट, और आपको पेमेंट नहीं करता आपका पेपाल अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, आप पेपाल के साथ भी बिजनेस नहीं कर पाओगे, अभी नहीं आगे चलते कभी नहीं कर पाओगे। तो पेपल इज द ओनली सोर्स जो कि आपको गुड स्टैंडिंग पे रखना है। अगर आप लॉस ले सकते हो, इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू बियर अ लॉस ऑफ 20-25% और 30%, देन दैट्स गुड, क्योंकि सबको ही ऐसे लकी नहीं होते। अगर 100 लोग एचसी पे स्टोर ओपन कर रहे हैं, 100 पीपल आर नॉट गोइंग टू बी बेस्ट सेलर्स, सो ऐसे कभी नहीं होता। और अगर 100 में बहुत ही कम बेस्ट सेलर्स होंगे, लाइक 5 या 10, उन 5 या 10 में आपको आना है, क्योंकि छोटे सेलर्स क्या कहते हैं, एचसी में शॉप खोला एक साल, कुछ हुआ नहीं, सेल्स नहीं हुआ, और दे गिव अप, दे क्लोज देयर स्टोर्स। आपको तो काम भी करना पड़ता है ना आपके स्टोर के ऊपर, आप ऐसा तो नहीं कि आप लिस्टिंग कर दिया, फोटो डाल दिया, कुछ भी एक डाल दिया वहां पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स और टैग्स, और आपका सेल्स होने लगे। आपके पहले से बहुत बंदे बैठे हुए हैं जिनका कंटिन्यूस व्यूज आ रहा है और ट्रैफिक आ रहा है, तो उनका क्या होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि आप अपने लॉसेस को कितना एब्जॉर्व कर सकते हो, आप अपनी स्टोर की पोजीशन को कितना अच्छा रख सकते हो। जितना अच्छा रेपुटेशन होगा उतनी अच्छी स्टैंडिंग होगी, और आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा। आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि कोई एक बड़े सेलर को कोई एक बड़ा ई कॉमर्स कंपनी ने बैन किया हुआ है। फाइनली क्या, और इतना ही था बड़े और छोटे सेलर्स में क्या डिफरेंस है। छोटे सेलर्स आगे चल के बड़े सेलर्स बन जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं, कैटलॉग बढ़ जाते हैं। बस यही है, आपको यही करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कितने लॉसेस अब्जॉर्ब कर सकते हो। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील लाइक नहीं भाई ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो उसका मतलब है बिजनेस बंद करना। तो ये बस एचसी पे नहीं होता, ये अमेजोन पे भी होता है, फ्लिपकार्ट पे होता है, आप लोकल किराना का दुकान भी खोलते हो तो उसमें भी यही होता है। लोग बाकी का सामान लेके चले जाते हैं उधारी में और कभी वापस आके पैसे देते नहीं है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, यू हैव टू डील विथ इट। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइज, अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुझे प्रोत्साहन और मोटिवेशन सब कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं। और चैनल बहुत दिनों से स्लो ग्रोथ कर रहा है, चलिए लेट्स टारगेट 50,000 सब्सक्राइबर्स फॉर 2022। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।